सरकार का काम देश को विजन देने का होता है, रास्ता दिखाने का होता है। इस काम करने में सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और इसीलिए यूनिवर्सिटीज में, युवाओं में, किसानों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसको एड्रेस करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी देश को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मगर देश की जनता समझती है कि नरेंद्र मोदी जी इकोनॉमी पे, रोजगार पे, हिंदुस्तान के फ्यूचर पर फेल हो गए हैं। रेजोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, डिटेल्स आपको येचुरी जी, आजाद जी और बाकी पार्टी के नेता देंगे। बट मेन मैसेज ये है कि आज जो युवाओं की आवाज उठ रही है वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, उसको दबाया नहीं जाना चाहिए और सरकार को उस आवाज को सुनना चाहिए और उस आवाज को भविष्य के बारे में, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे एक बार फिर पटरी पे आएगी, उसके बारे में प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव द गट्स टू डू दिस, ही डज नॉट हैव द गट्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द students of this country and tell them, so he crushes them using the police. I challenge the Prime Minister right now to go to any of the universities, stand over there without his police, without his infrastructure and tell the people what he's going to do for this. Resolution mein ye bhi kaha ki kis jaldi se bagair kisi parliamentary procedure ke apnana chahiye tha, kisi bhi kanoon ko lane ke liye kisi bhi bill ko parliament mein शुरू करने से पहले जो प्रोसीजर है पार्लियामेंट में, उसको बिल्कुल बाईपास करते हुए अचानक 370 आर्टिकल 370 को खत्म करने का बिल आया और नतीजा क्या हुआ? एक अच्छा भला स्टेट जो डेवलप हो रहा था, जहां एम्प्लॉयमेंट भी थी, टूरिज्म भी चल रहा था, उस स्टेट की आर्थिक व्यवस्था को खत्म कर दिया और लीडरों को जेल में रखा, 3-6 मिनिस्टरों को, और जो उनके अधिकार थे उनसे सब छीन लिए। तो आज स्टेट, सब इंस्टीट्यूशन उस स्टेट में, जम्मू कश्मीर में ठप। और उसके बाद जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश के, उनको भी एक एक करके उनकी इंडिपेंडेंस को खत्म किया जा रहा। और फिर एनआरसी, फिर सीसीए, फिर एनपीआर, ये तमाम चीजें लाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आज कई हफ्तों से पूरा देश सड़कों पर है खड़ा, जिसमें 90 साल के बूढ़े भी हैं और 6 महीने का बच्चा भी अपनी मां की गोद में, वो भी पर है इस ठंड में। और कोई भी सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति हो इस देश में, पहली दफा हमने देखा है कि आज सड़कों पे निकला हुआ है इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान पहली दफा हमें लग रहा है कि बिल्कुल खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए आज राजनीतिक दल नहीं, देश की जनता सड़कों पर, औरतें, मर्द, हिंदू, मुस्लिम, सब, ईसाई।